उधर संघर्ष विराम की घोषणा के बाद इज़राइल की सेना और वहां के रक्षा मंत्री ने हमास के साथ युद्ध लंबा खींचने का दावा कर दिया है। इज़राइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि मानवीय संघर्ष विराम खत्म होने के बाद ये युद्ध कम से कम 2 महीने तक चलेगा। दूसरी तरफ उत्तरी गाजा पर काफी हद तक कब्जा करे बैठे इज़राइल की सेना ने भी यही आशंका जाहिर कर दी है। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने तेल अवीव में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हमास के साथ ये युद्ध लंबा चलने वाला है। इसके साथ ही इजरायल की सेना ने साफ कर दिया है कि संघर्ष विराम के दौरान इजरायल की सेना गाजा से नहीं हटेगी बल्कि वहीं डटी रहेगी।